मैकेनिक्स की इस क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है मैकेनिक्स का बीएससी और बीएस क्लासेस के लिए, और टॉपिक है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों, मैकेनिक्स में इस वक्त हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी का, ठीक है। और इस चैप्टर में इससे पहले हमने जो डिफरेंट रोटेशनल डायनामिक्स थे, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और इस तरह जो डिफरेंट रोटेशनल वेरिएबल्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो 4 लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, तो आप पिछले लेक्चर वहां से देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही, और टॉपिक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिजिड बॉडी का किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम प्रूव करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है जी, और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी। हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है। ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और ये इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। बच्चों, फर्ज करें कि ये रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास से हमने इसको फिक्स किया है, और ये सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर रही है यूं करके, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर रही है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो सेंटर ऑफ मैस से ही पास होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन उस सूरत में है अगर ये अपने सेंटर ऑफ मैस के गिर्द रोटेट कर रही है। बच्चों, सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी में वो पॉइंट होता है जहां उसका सारे का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या वो पॉइंट जहां पर उसका सारे का सारा वेट एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ मैस को हम रफली कभी कभार सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह देते हैं। तो बच्चों, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट करती है। बच्चों, ऐसी सूरत में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपली होगा आई सी एम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट नहीं करती, बल्कि हम इसे किसी और पॉइंट पी से इसको फिक्स कर देते हैं रिजिड बॉडी को, और ये पॉइंट पी के गिर्द रोटेट करती है, तो उस सूरत में हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो यूं होगा। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर ये सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से फिक्स्ड है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास वाला नहीं है, बल्कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अलावा कोई और है, और यहां पर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये पॉइंट पी के गिर्द रोटेट कर रही है, तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर रही है, तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है डी, और अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये पॉइंट पी के गिर्द रोटेट कर रही है, तो उस सूरत में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपली आई होगा, ठीक है। तो ये भी हम आगे चल के देखते हैं कि आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा और सिंपली आई क्या होगा। बच्चों, उसके लिए हमने क्या किया है, हम पूरी रिजिड बॉडी का जो रोटेशन है उसको कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ, चूंकि आपको पता है कि रिजिड बॉडी जो है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, इसके अंदर बहुत सारे मैस मैसेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स या बहुत सारे मैसेज से ये मिलकर बनती है। ऐसा ही एक पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंदर हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है, और उसका जो मास है वो एम आई है। बच्चों, अब इस एम आई का जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास से, वो है हमारा कैपिटल आर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट से, वो है हमारा सिंपली स्मॉल आर। क्लियर हो गया बच्चों? अगर ये आर है, तो ये लाइन क्या हो सकती है, आर का एक्स कंपोनेंट, और ये लाइन क्या हो सकती है, आर का वाई कंपोनेंट।
बच्चों सेंटर ऑफ मैस का, सेंटर ऑफ मैस से जो पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर जो है इट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एम आई एक्स आई सॉरी एम आई आर आई ओवर कैपिटल एम। ये कैपिटल एम क्या है? टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और एम आई क्या है? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जनरल फार्मूला है आर का, यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो पोजीशन वेक्टर आप ले रहे हो उसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। अगर हमें आर का एक्स कंपोनेंट लिखना हो, अगर हमें आर एक्स लिखना हो, तो बच्चों क्या होगा? यहां पर जो आपको आर नजर आ रहा है इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स आई और नीचे इसके कैपिटल एम। अगर हमें इस आर का वाई कंपोनेंट लिखना हो, आर वाई, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एम आई एक्स आई की जगह वाई आई और डिवाइडेड बाय एम। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? इनकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम यहां पर इनको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं जिस तरह पहले हमने कहा कि अगर हमारा रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मैस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? आई सी एम। ठीक है, इन केस रोटेशन इज अबाउट सेंटर ऑफ मैस, इस सूरत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा आई सेंटर ऑफ मैस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? पिछले लेक्चर्स में देखा आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एम आर स्क्वेयर। ठीक हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एम की जगह चूंकि हम एक पार्टिकल सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है एम आई, तो मैस हमारा क्या होगा? एम आई, और आर इसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मैस से, या इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? कैपिटल आर। तो यहां पर आ जाएगा जी कैपिटल आर का स्क्वायर, ये है आई सेंटर ऑफ मैस। लेकिन अगर पूरी रिजिड बॉडी की बात की जाए तो हम यहां पर समीशन लगा देंगे, ये हमने समीशन लगा दिया, तो ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ मैस से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मैस। ठीक हो गया बच्चों, तो इसे हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन वन का, इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन ए, इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन बी, और ये हमारी है इक्वेशन वन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सूरत में है अगर हमारा रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मैस के गिर्द रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर वो इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है तो फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फिर सिंपली हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिंपली होगा एम आई आर आई स्क्वेयर, और ये हमने सम लगा दिया, ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर टू। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये ट्राइंगल आपको एक नजर आ रही है, देखें सी पी, और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी आप रखते, फर्ज करें कि मैं इसका नाम रख देता हूं एम। ठीक हो गया, यहां पर आप फर्ज कर लें कि ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक हो गया बच्चों, अब इस ट्रायंगल पे हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कोसाइन, तो लॉ ऑफ कोसाइन हम यहां पर यूज करने लगे हैं जी, लॉ ऑफ कोसाइन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, ये जो आर स्क्वेयर है इसको आप आर आई कह लें, आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, यहां से लेकर यहां तक, सी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी। इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी। तो आप लिख सकते हैं आर आई स्क्वेयर को आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस टू आर डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी ज्योमेट्री में इसका प्रूफ मौजूद है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक हो गया बच्चों, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन, यहां तक हमारी इक्वेशन टू हो गई है, तो इसे कह देते हैं इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री से आर आई स्क्वेयर की वैल्यू आप इक्वेशन टू में यहां इस जगह पे पुट कर दो, तो यहां से हम कह सकते हैं जी पुट इक्वेशन थ्री इन टू इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारे पास क्या थी? आई इज इक्वल टू समिशन एम आई आर आई स्क्वेयर। बच्चों यहां पर जो आर आई स्क्वेयर है ये वाला, इसकी जगह ये सारी वैल्यू आप पुट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा
समीशन एम आई एज इट इज आएगा, और आर आई स्क्वेयर की जगह ये सारा पुट कर दें, आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस टू आर डी और कॉज ऑफ थीटा। बच्चों अब ये एम आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एम आई आर स्क्वेयर प्लस एम आई को इससे मल्टीप्लाई करें तो एम आई डी स्क्वेयर माइनस एम आई को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एम आई इंटू टू आर डी कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस इक्वेशन को हमने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है बच्चों। ये आर स्क्वेयर जो है इसको समीशन से बाहर निकाल लें, ये कांस्टेंट है तो यहां अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सम ऑफ एम आई प्लस इसी तरह से डी स्क्वेयर कांस्टेंट है, इसको समीशन से बाहर निकाल लें, अंदर हमारे पास बचेगा एम आई, क्लियर हो गया। माइनस ये टू कांस्टेंट है, ये डी भी कांस्टेंट है तो अंदर हमारे पास बचेगा एम आई, और ये अंदर बच गया आर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों ये देखो आर कॉस थीटा जो है वो आर एक्स के बराबर है, तो आर कॉस थीटा की जगह ये जो आर कॉस थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स। ठीक है तो आर स्क्वेयर बच्चों समेशन एम आई, यानी कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन सब के मास को जमा किया जाए तो उस रिजिड बॉडी का टोटल मास आ जाएगा। तो बच्चों ये जो समीशन एम आई है इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, प्लस डी स्क्वेयर इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और माइनस टू डी समीशन एम आई, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है जी, आर एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जी बच्चों तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन अब बन चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हमारे पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस टू डी और एम आई आर एक्स। बच्चों अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लें, ये देखें ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लें तो फिर हमारा आर एक्स और आर वाई क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लें, अगर हम ओरिजिन पे खड़े हैं तो फिर हमारे लिए आर एक्स और आर वाई क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि सेंटर पे जो सेंटर होता है या ओरिजिन होता है, जो जो कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन होता है वहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम ओरिजिन मान लें, इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, तो फिर हमारे पास ओरिजिन पर आर एक्स भी जीरो होगा और ओरिजिन पर आर वाई भी जीरो होगा। बच्चों इस इक्वेशन में जहां पे आर एक्स आपको नजर आ रहा है इस पर अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्ट्री हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ठीक है जी, एम आर स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर और माइनस जीरो। तो बच्चों आई हमारे पास बचेगा एम आर स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर माइनस जीरो। अब आप पीछे आ जाएं अपनी इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू पे। ये देखें इक्वेशन नंबर वन में आई सेंटर ऑफ मास जो है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास बराबर था समीशन एम आई आर स्क्वेयर। तो ये देखें समीशन एम आई को हमने कैपिटल एम लिख दिया है। तो ये चीज असल में क्या है, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास और प्लस एम डी स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। तो बच्चों ये है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कह रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे किसी और एक्सिस के अबाउट, यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास प्लस
एम डी स्क्वेयर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और डी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहां पर देखें, ये जो दो पैरेलल एक्सिस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो बच्चों ये कहलाएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, अगर उस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई और है। तो किसी भी इस तरह की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।